हाथों से प्लस सत्कार कर। अरे इंसाफ का है नारा, इंसाफ का है नारा, इंसाफ करेंगे जो है पहाड़ रास्ते में उसे साफ करेंगे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। तूफान से
हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा और साथियों, और मुझे देखो, हमारे दो दुश्मन है, दो दुर्गा सिंह और बड़ा राज। मुझको देखो क्या बना दिया, क्या बना दिया। एक दिन आसाना इंसान था, आज एक हैवान बन गया। हैवान बना हो तो सिर्फ दोनों को खत्म करने के लिए, जब तक मान नहीं रहूंगा तब तक ये भाई डाको सूर्या चैन से नहीं बैठे। इसलिए साथियों, ये करने का वक्त नहीं है। और हराम के हमें दुर्गा सिंह के मिलते हैं और उसको मौत के घाट छुड़ा देते हैं। इसीलिए तैयारी करो, घोड़े निकालो और बैठ जाओ घोड़ों पर। मेरे हाथ में बंदूक है, लाइट मशीन गन, लाल एमजी, लाइट टैनिक, तीर नाती, आठ तो सिख, और साथ में ले लो कुछ हथौड़े। हिरासत में चार नंबर कमरे में बंद है, जाओ पूजा करके आओ, उससे कुछ खास बातें करेंगे। ये बात जरूर है, खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है, और जब जलती है जवानी तो नैन महकते जरूर। राजकुमारी जी सुनो मेरी बात, I'm not afraid of the dark.
नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, जबरदस्ती करूंगा। सामने कौन आ रहा है? और दूर मुझे जाना है, देर काफी हुई
और आज से मैं अपना पति मान लिया, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तेरा दिमाग ठीक है? हाँ, मैं सच कहती हूँ। अरे हमारे पहनावे को देखो। और क्या? देखती हूँ। हमारे पैजामे को देखो। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी। हम लोग सफाई कर्मचारी हैं। किसी बात करोगे ना तो बहुत मारूंगा। अपन को कहाँ दो? हमने कहा कि हम लोग सरकारी कर्मचारी। अच्छा, सरकारी हमारी सफाई कर्मचारी। कानून के रक्षक है हम। हम लोग समाज के रक्षक हैं। कानून के रक्षक है। हाँ, हाँ, कानून के। और अगर इस देश के रक्षक ही ऐसे गंदे काम करने लगेंगे तो लोगों का विश्वास हम पर से उड़ जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो हमारी ड्यूटी को कौन ख्याल करेगा? ड्यूटी नहीं, ड्यूटी कहते हैं। एक काम करो, इस लड़की को समझाओ और समझा बुझा कर अपने रास्ते से हटाओ। जल्दी करो। जाओ, हमें सबके चक्कर में ना पड़ो। मैं साथ चलना चाहती हूँ, जैन को समझाइए। इनका कहा समझाई, हम खुद ही समझ गए। अच्छा, तो साथे चलिए। हाँ, एक मिनट साइड हो जाओ। समझाई थी, मान लियो मानी। लड़कियों हमका नीक लागा है। साहब एक मिनट, वन मिनट, एक बात हमें दिमाग में गूंज रही है। कौन सी बात? रुक जाओ साहब, पैजामा खसका जा रहा है। यही बात गूंज रही है कि वीडियो को ले चलो साथ ही। साथ? हाँ। अरे साथ के ले जाएंगे? पूरा फायदा है साथ ही रही। मतलब बुढ़िया में बुढ़ापा आएगा कि नहीं, खाना बनाओ तकलीफ पड़ेगी कि नहीं। हाँ। एक दिन बुढ़िया में जाते ही पानी भर तो वही नलका के बगल में ये भूगैया बांधी रहे। अच्छा, अब भाई नलका उलका ना देखा, अब भाई पूछ उठाए ले उन्हें मुंह तक रहे, और बाल्टी धर के वही पूछ पकड़ के झोंक गए लाके। नल की जगह मेरी बात गाय का पूछ पकड़ के चलावे लाके। भाई तेरा तो है नहीं, बुढ़ापा है, खाना बनाओ तकलीफ पड़त, पानी भरे तकलीफ पड़त है। ले चलो खाना पीना चूल्हा चौका पानी चूल्हा बर्तन सब करे। तो बुढ़िया अम्मा खटिया बैठ रहे और ये बना के दिए, बुढ़िया अम्मा खाए टुकुर टुकुर इनका चितवे। और जो ड्यूटी से लौटे हो तो ऊपर तरह के टहल कर जाओ। मुंशी रामदास, तुम्हारी कुछ कुछ बात तो मेरे समझ में आ रही है। पहले तो अलग की माँ का बुढ़ापा आ गया है, और इस उम्र में माँ के कामों में हाथ बटाने वाला कोई होना चाहिए। आज नहीं तो कल अपने लिए जीवन साथी कोई ना कोई चुनना ही पड़ेगा। अब सोच रहे कि इससे अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं। अरे हो जाओ, मैं लड़की से बात करने जा रहा हूँ। क्या बात है, तुम उससे प्रेम कर बैठी हो? जी हाँ, मैं साथ चलना चाहती हूँ। मेरे भी दिल के अंदर अजीब अजीब तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे दिल की बात नहीं सुनोगी? प्रेम रोग लगता सुनो यही तरह एक दाई हमें बतिया का रोग लगा रहा। एक हफ्ता नहीं जी मर गए, तुम भी मर जाओगी। मारे हो जाऊंगा। Yeah.
इसीलिए 100 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद।